हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा जो कि एक ऑफबीट की तरफ से आता है, जो कि एक RGB गेमिंग माउस पैड है। माउस पैड, कीबोर्ड, माउस पैड दोनों एक कॉम्बो ही है। बहुत ही बड़ा एक XXL साइज का ये एक माउस पैड है। अगर आप भी इस अनबॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये जो गेमिंग माउस पैड है, इसका आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, कुछ ऐसा वो बॉक्स, और यहाँ पे आपको कुछ मेन हाईलाइट देखने के लिए मिलेगा। ये कैसा है, क्या है, और इसका रबर पैड कैसा है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ देखने के लिए लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें एक USB केबल मिलेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा और उसको USB से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि उसमें RGB है तो जाहिर सी बात है लाइट जलेगा ही जलेगा। और इसमें आपको 14 तरह का मोड देखने के लिए मिलेगा, 7 कलर का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, आपको कुछ ऐसा इधर सब कुछ इसके बारे में बताया गया कि इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलेगा। और इसको मैं ओपन करने के लिए आपको सिंपली ऐसे करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये खुला बॉक्स, और ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए, आपको एक स्क्रैच कार्ड देखने के लिए मिल रहा है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सिंपली परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, स्क्रैच करें, और बिन क्या क्या दिया हुआ इसको मैं बाद में करूँगा। लॉग इन करना है अपने अमेजोन अकाउंट में, और कुछ कुछ करना है इसको मैं बाद में रखूँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये मेन ये जो माउस पैड है इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, कुछ ऐसा आपको पैकिंग देखने के लिए मिलेगा। ये रहा प्लास्टिक में कवर, और ये देखिए निकला। कुछ ऐसा आपको ये देखिए लिखने के लिए मिला, और इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है इसके साथ में। ये एक देखिए, ये एक आपको USB केबल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ब्रेडेड केबल है ये। और इसमें माइक्रो माइक्रो USB टाइप सी नहीं है, ये USB कनेक्टर ही है। और ये देखिए, आपको कुछ इसके साथ एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ खास है नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। इसको ये फालतू है, इसको मैं फेंक देता हूँ, इधर साइड में रख देता हूँ। और इसके साथ मेनली आपको क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए, आपको ये केबल मिला है और ये पैड मिला है। आप लोग इसका क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, बैक साइड में कुछ ऐसा है, और फ्रंट साइड में आपको कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा। और ये जो साइड साइड में, ये एक ट्यूब की तरह है, जिसके थ्रू RGB जो लाइट है वो लाइट करती है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको कंट्रोलर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे ऑफबीट का ब्रांडिंग देखने मिलेगा। यहाँ पे कंट्रोलर से आप बहुत सारा कंट्रोल कर पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे USB कनेक्टर दिया गया है। तो मैं ये सारा कुछ फटाफट सेटअप करके दिखाता हूँ, और आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए, कुछ ऐसा आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कैसे ग्लो कर रहा है साइड साइड में। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा कुछ चेंज किया हुआ, तो देखिए कुछ ऐसा, ये देखिए ग्लो करेगा। ये देखिए, अभी रेड कलर का हो गया। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए, सिंपली यहाँ पे जो बटन है इसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे इसको। तो ये देखिए, ये बटन है, इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो ये चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा आवाज़ करेगा, तो उससे पता चलेगा कि ये चेंज हो चुका है। ये देखिए, जितने बार मैं प्रेस कर रहा हूँ उतना ये लाइट चेंज होते जा रहा है। और इसमें आपको ब्रीदिंग वाला भी लाइट देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपको इसको ऑफ भी करना है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इतना सारा तो लाइट हो गया, इसको आप सिंपली ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर ये देखिए ऐसा लाइट हमेशा ही चेंज होते रहेगा, ये वाला लाइट। अगर मैं इस माउस पैड का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस का बात करूं, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पहला ही लुक में ये सबको पसंद आ जाएगा, जो भी कंप्यूटर चलाते हैं, जिनको भी लोग को RGB एक ऐसा माउस पैड चाहिए, उनको ये बहुत ही आसानी से पसंद आ जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर देखने के लिए, जैसे RGB कंट्रोल। और ये माउस पैड आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 में आपको आसानी से अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं।
तो ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था। अगर आपको इसमें कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ आपको लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो आप नीचे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे और अनबॉक्सिंग वाले वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में।